नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। रामपाली जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से भगवान राम से इस जगह का कोई पुरातन संबंध होगा। भगवान राम प्राचीन काल में वनवास के दौरान यहाँ पहुँचे थे एवं कुछ देर रुकने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान किया था। तब से ही इस स्थान का नाम राम पदावली से होते हुए रामपायली हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ का दशहरा भी कुछ खास ही है। यहाँ के दशहरे में मिट्टी के रावण को मारने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो कि अभी भी जारी है। आज के इस कार्यक्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर से भगवान श्री रामचंद्र जी का डोला एवं कई प्रकार की झांकियों के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भक्त एवं बजरंगी शाम 7 बजे दशहरा मैदान की ओर प्रस्थान किया। राजपूत समाज के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान द्वारा रावण का वध किया गया। रामपायली से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण।